हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं अब्दू और एम से स्टैन से। तो जैसे कि अब्दू की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिला था जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि एम से स्टैन से वो क्यों गुस्सा है और क्या सारी चीज़ें हुई थी उन दोनों के बीच में। तो फिलहाल न्यूज़ 18 की तरफ से एक आर्टिकल देखने को मिला है जिसमें ये कहा गया है कि एम से स्टैन की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। तो स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि स्टैन जो है वो अपने म्यूजिकल टूर में काफ़ी ज़्यादा बिजी है बिग बॉस के बाद से, और साथ ही वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिन्होंने हमेशा ही अकेले परफॉर्म करा है और उनको नहीं पसंद है कि वो किसी के साथ कोलैबोरेट करे। तो इसीलिए जब अब्दू ने कहा था कि वो बैंगलोर के शो में परफॉर्म करना चाहता है तो शायद इसीलिए स्टैन की टीम की तरफ से मना किया गया था। और सारे एलिगेशंस जो लगाए गए अब्दू की तरफ से कि बैंगलोर के शो के दौरान उनकी कार को डैमेज करा गया था, सारे एलिगेशंस बेसलेस है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आप लोग को बता ही दूंगा। तो अब बात कर लेते किंग के बारे में। तो किंग जो है वो एक रील डालता है अपने इंस्टाग्राम पे और लिखता है अनदर बिग वेव इनकमिंग। तो अब बात कर लेते हैं MC कोड और ओंकोर एबीजे के बारे में। तो जैसे कि इन दोनों के बीच में कुछ स्टोरीज एक्सचेंज हो चुकी है, तो लास्ट स्टोरी में MC कोड ने एक जवाब दिया था तो उसका एक और रिप्लाई आया है ओंकोर की तरफ से जिसमें वो लिखता है इसे गाना रिकॉर्ड करते ही भेजा था, दिक्कत थी तो तभी बोल देता भाई, लास्ट एंड फाइनल रिप्लाई बिकॉज इट हर्ट्स टू सी समवन यू स्टूड अप फॉर मैनिपुलेट फैक्ट्स दिस गाय डेड टू मी। तो अब बात कर लेते 47 के बारे में। तो 47 अपने अपकमिंग ट्रैक से रिलेटेड कुछ ऐसा पूछते हैं उनकी ऑडियंस से। दो गाने मेरे पास, एक म्यूजिक वीडियो के साथ है और दूसरा है विद दैट जो इमोजी वाला आर्टवर्क में है, तो सरप्राइज ड्रॉप्स, एरर ड्रॉप, सरप्राइज इंग्ली, आई डोंट नो, पहले कौन सा चाहिए। इसके अलावा इक्का ने भी एक स्टोरी डाली थी क्लाउट इज द न्यू क्रैक। तो इक्का की बात हो ही रही है तो अघोर का एक ट्रैक अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है मित्रा दी पार्टी। तो अब बात कर लेते हैं हनी सिंह और दीप जंदू के बारे में। तो दीप जंदू अपने इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि उनकी एल्बम में किसके साथ ट्रैक होना चाहिए। तो एक भाई लिखता है यो यो हनी सिंह फीचरिंग दीप जंदू। तो उन्होंने टैग करा था हनी सिंह को आई वुड लव टू सी व्हाट वुड हैपन। तो हनी सिंह इस पे लिखता है बारूद निकालना। तो हो सकता है इनका ट्रैक काफी जल्दी देखने को मिल जाए। तो अब बात कर लेते फरहान खान के बारे में। तो फरहान खान एक स्टोरी डालता है पैसे कमाओ अच्छी बात है और जरूरी भी है, पर झूठ बोल के मत कमाओ और मेरा नाम लेके झूठ बोल के तो बिल्कुल मत कमाओ। इसके अलावा रॉपसी जो है वो युवराज सिंह के साथ में एक पिक्चर पोस्ट करता है फैन मूवमेंट विद द लेजेंड हिमसेल्फ। साथ ही बैला अपने गानों से रिलेटेड लिखता है चलो ज्यादा कुछ नहीं बस इतना बता देता हूँ बॉम्बे सर्कल उजी ने प्रोड्यूस किया है राग जमाना कर आई बेट यू हैव नो आइडिया क्या आ रहा है इसका 10% सुना है तुमने हसल के फाइनल में दिस इज 99% स्पाइसी हैशटैग केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा वॉइड जो है वो 100K मंथली लिसनर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो अब बात कर लेते मेरे बारे में। तो अभी तुम्हारे भाई ने जो कुछ ट्रैक्स रिलीज करे वो अभी सारे ही ट्रैक सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो चुके हैं इंक्लूडिंग स्पॉटिफाई। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जाके सुन सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार जरूर चेक करना, अगर पसंद आए तो लूप पे चलाना और अगर नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। खैर इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।